वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखे हर एक वस्तु और दिशा का खास महत्व होता है। वास्तु के अनुसार घर की हर दिशा एक खास संकेत देती है। इन दिशाओं से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जा निकलती है। इन दिशाओं से निकलने वाली ऊर्जा का असर घर के सदस्यों पर भी पड़ता है। घर की दिशाओं से अगर नकारात्मक ऊर्जा निकलती हो तो वास्तु दोष लगता है। वास्तु शास्त्र में इन दोषों के बारे में ये बताया गया है कि ये हम सभी के निजी जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ये दोष हमारी तरक्की में बाधा डालते हैं और तो और इन दोषों की वजह से हमारे पास कभी पैसा एकत्र नहीं हो पाता है। करियर में अथक प्रयास के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते। घर में वास्तु दोष होने के लक्षण घर के सदस्यों पर भी दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं कि घर में वास्तु दोष होने पर किस तरह की दिक्कतें आती है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक वॉक्स में। वास्तु के अनुसार हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिन्हें वास्तु दोष माना जाता है। इन कमियों की वजह से हमारे घर में अक्सर कलह का वातावरण बना रहता है। आपस में परिवार के लोगों के बीच में तकरार बनी रहती है। पति पत्नी के संबंधों में प्यार नहीं रहता। आइए जानते हैं कौन से हैं ये वास्तु दोष और किन परेशानियों से मिलते हैं वास्तु दोष के संकेत। वास्तु दोष हो तो घर में लोगों के काम में बार बार बाधा आती है। घर के सदस्यों को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। कई बार बने बनाए काम भी वास्तु दोष की वजह से बिगड़ जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर की पूर्व दिशा का स्थान ऊंचा हो वहां वास्तु खराब लगता है। वास्तु दोष होने पर घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। इन लोगों को धन का अभाव झेलना पड़ता है। घर की पूर्व दिशा में दोष हो तो घर के सदस्यों को पेट संबंधी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। वहीं घर में बरामदे की ढलान पश्चिम दिशा की तरफ होने का असर परिवार के मुखिया पर पड़ता है। उन्हें कई तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ सकता है। पूर्व दिशा का वास्तु दोष खत्म करने के लिए इस तरफ की दीवार पर सूर्य यंत्र स्थापित करना चाहिए। घर के पश्चिमी दिशा में भी वास्तु दोष का पता चलता है। घर का पश्चिमी भाग नीचे होने पर वास्तु दोष बनता है। इस दोष का प्रभाव घर के बच्चों को झेलना पड़ता है। इसके प्रभाव से घर के बच्चों की पढ़ाई बार बार बाधित होती है। घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में बना हो तो घर में धन खर्च बढ़ता है। घर की पश्चिम दिशा का वास्तु दोष खत्म करने के लिए घर की पश्चिमी दीवार पर वरुण यंत्र लगाना चाहिए। इस दिशा में अशोक का वृक्ष लगाने से भी वास्तु दोष दूर होते हैं। घर की उत्तर दिशा से भी वास्तु दोष का पता चलता है। घर की उत्तर दिशा में अगर चबूतरे न बने हों तो भी इसका असर घर के सदस्यों पर पड़ता है। इससे घर के सदस्यों की तरक्की में रुकावट आती है। इस दिशा के वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए घर के पूजा स्थल में बुध यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर विंड चाइम लगाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। घर का मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा की तरफ हो तो घर के सदस्य अक्सर कर्ज में डूबे रहते हैं। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर में हमेशा अशांति रहती है। इस दिशा के वास्तु दोष से बचने के लिए इस घर के सदस्यों को पूजा घर में श्री हनुमत यंत्र स्थापित करना चाहिए। घर का उत्तर पूर्वी भाग ऊंचा नहीं होना चाहिए। साथ ही इस दिशा में शौचालय का निर्माण किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर में धन की बड़ी हानि होती है। परिवार में अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। इस दिशा का बाकी दिशा से नीचा होना और इस दिशा में मंदिर का होना शुभ माना गया है। अगर कोई कमरा रहने के लिए बनाया है तो कभी भी उत्तर पूर्व का कमरा किराए पर नहीं देना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे घर का दरवाजा बाहर की तरफ खुलना अच्छा नहीं माना जाता है। दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए। साथ ही दरवाजा खुलते और बंद होते समय आवाज करना शुभ नहीं होता है। खिड़कियों के लिए भी ये नियम है कि ये अंदर की ओर खुलनी चाहिए, बाहर की ओर नहीं। इस दोष की वजह से इससे भय और मानसिक कष्ट होता है। घर के मुखिया को जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है और मधुमक्खी का छत्ता भी घर में नहीं लगना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार ऐसा होने से 6 मास तक वास्तु दोष बना रहता है, जबकि चमगादड़ के घर में आने से 15 दिनों तक वास्तु दोष रहता है। ऐसे में घर की शुद्धि कराना चाहिए। गिद्ध और कौवे का भी घर में प्रवेश करा जाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो भाई और बहनों, ये थे वास्तु विज्ञान और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में होने वाले वास्तु दोष। अगर आप लोगों ने भी इन दोषों को नोटिस किया है तो नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।